हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। दिस इज़ द साइंस सीरीज़ फॉर क्लास सिक्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास सिक्स साइंस के चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द पार्ट वन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। नंबर 1, हाउ मैग्नेट वेयर डिस्कवर्ड, यानी मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुए थे। सेकेंड, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट कितने तरह के होते हैं। थर्ड, डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट के कितने तरह के डिफरेंट शेप्स होते हैं। और साथ ही एक्टिविटी 1 को भी डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फन विथ मैग्नेट। पहली, एडबुझो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वॉज पाइल्ड इन टू अ ह्यूज हीप। पहली, एडबुझो एक ऐसे प्लेस पर, जगह पर गए जहाँ पर बहुत अधिक वेस्ट मटेरियल का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। समटाइम एक्साइटिंग वाज हैपनिंग, वहाँ पर कुछ एक्साइटिंग या इंटरेस्टिंग सा हो रहा था। अ क्रेन वाज मूविंग टुवर्ड द हीप ऑफ जंक, उन्होंने देखा कि इस हीप ऑफ जंक यानी जो कूड़े का ढेर था वहाँ पर एक क्रेन मूव कर रही थी। द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोवर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप, उन्होंने देखा कि क्रेन का ये जो लॉन्ग हैंड था उसमें एक ब्लॉक बंधा था जिसको उसने ढेर की तरफ नीचे किया। इट देन बिगेन टू मूव, गेसेस व्हाट, इसके बाद ये ऊपर की ओर मूव होने लगा। गेस करिए कि क्या हुआ होगा। मैनी पीसेस ऑफ आयरन जंक वेयर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे, जैसे ही इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचा गया इससे बहुत सारे आयरन के पीसेस चिपक गए। दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमिडिएटली दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वॉज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड। बुझो और पहली ने अभी अभी मैग्नेट की एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी थी जिससे वो तुरंत ही जान गए कि क्रेन के ब्लॉक में एक मैग्नेट अटैच्ड है जो कि जंक यार्ड से या कि कूड़े के ढेर से आयरन के पीसेस को पिक कर रहा है, चुन रहा है। यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव इवन इंजॉयड प्लेइंग विथ देम, आप में से कुछ ने मैग्नेट्स देखा होगा और इनके साथ खेल करके इंजॉय भी किया होगा। यहाँ पर बहुत सारे मैग्नेट्स दिए हुए हैं जिनमें से आपने इस मैग्नेट्स को और इस मैग्नेट्स को तो अवश्य देखा होगा। बाकी के मैग्नेट्स को शेप ऑफ मैग्नेट्स में डिस्कस करेंगे। हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन्स अटैच्ड टू आयरन सर्फेस लाइक अलमिरा आर द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या आपने इस तरह के स्टिकर्स को देखा है जो कि रेफ्रिजरेटर के डोर से या फिर अलमिरा के आयरन सरफेस से चिपके हुए होते हैं। इन सेम पिन होल्डर्स द पिन्स सीम्स टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर्स, इन सेम पेंसिल बॉक्सेस द लिड फिट टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट, यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि क्या आपने रेफ्रिजरेटर के डोर को देखा है या अलमिरा के ऐसे सरफेस को देखा है जहाँ पर आयरन लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ ऐसे स्टिकर्स लगे हुए हैं जिससे आप जब इसे क्लोज करते हो तो ये यहाँ पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। सेम इसी तरह से पिन होल्डर में यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ होता है जिससे इससे पिन बाहर नहीं होती और यहीं पर स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। इसी तरह से पेंसिल बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ होता है जिससे ये यहाँ पर फिट हो जाता है और जबकि इसमें किसी भी तरह का लॉक का अरेंजमेंट नहीं होता है। इस तरह से हमने देखा कि अगर आयरन बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स है तो उसे हम मैग्नेट के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके डोर पर मैग्नेट के स्टिकर लगे हुए होते हैं जैसे अलमिरा, फ्रिज, पेंसिल बॉक्स, जहाँ पर हम मैग्नेट का स्टिकर यूज़ करके उसे आसानी से क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे चारों तरफ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि मैग्नेट किस तरह से डिस्कवर हुआ। हाउ मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड, इट इज़ सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम मैग्नेस हु लिव्ड इन एंशियंट ग्रीस, अगर आपने यूनान नेम सुना हो तो ग्रीस को यूनान कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि एंशियंट ग्रीस में एक शेफर्ड यानी जानवरों को चराने वाला गडरिया रहता था जिसका नाम था मैग्नेस। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शिप्स एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन फॉर ग्रेजिंग, वो अपनी गोट्स और शिप को चराने के लिए माउंटेन पर ले जाया करता था। ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड, भेड़ और बकरियों के झुंड को कंट्रोल करने के लिए वो अपने पास एक स्टिक रखता था।
द स्टिक हैज़ अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट द एंड. इस स्टिक के एक सिरे पर इस तरह से आयरन का एक पीस अटैच था. वन डे ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन. एक दिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ जब उसे अपनी स्टिक को माउंटेन की रॉक से खींचने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा. इट सीम्स एज इफ द स्टिक वॉज बींग अटैच्ड बाई द रॉक वॉज अ नेचुरल मैगनेट एंड इट अटैच्ड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक. इट इज़ सेड दैट दिस इज़ द हाउ नेचुरल मैगनेट वॉज डिस्कवर्ड. चलिए इसे इस पिक्चर के द्वारा समझते हैं. ये है मैग्नेस और ये है इसकी स्टिक जिस पर यहाँ पर आयरन लगा हुआ है. जब मैग्नेस ने अपनी स्टिक को इस माउंटेन की रॉक पर रखा तो यहाँ पर ये स्टिक हो गई, चिपक गई और इसे खींचने में इसे काफ़ी फोर्स लगाना पड़ा. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर नेचुरल मैग्नेट था और मैग्नेट का मेन प्रॉपर्टी होती है किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना या अट्रैक्ट करना. इस तरह से मैग्नेट की डिस्कवरी हुई. सच रॉक्स वेयर गिविन द नेम मैग्नेटाइट परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ द शेफर्ड. शायद इस शेफर्ड के नेम पर, क्योंकि इसका नाम मैग्नस था, इस चट्टान का, इस रॉक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया. मैग्नेटाइट कंटेन आयरन. मैग्नेटाइट की जो रॉक होती है उसमें आयरन पाया जाता है. सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट द प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया. कुछ लोगों का ऐसा मानना है, विश्वास है कि ये मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नाम के प्लेस पर पाया गया था, इसलिए इस सब्सटेंस का नाम मैग्नेट रखा गया. चलिए अब जान लेते हैं कि मैग्नेट होता क्या है. द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट. ऐसा सब्सटेंसेस जिसमें आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है उसे हम मैग्नेट बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में बोलें तो अ मैग्नेट इज़ अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट आयरन. यानी मैग्नेट ऐसे मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ये एक मैग्नेट है. इसका शेप ऐसा क्यों है या फिर इस पर एन या एस क्यों लिखा हुआ है, इसे बाद में डिस्कस करेंगे. इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन. अब तक लोग जान चुके थे कि कुछ स्पेशल टाइप की रॉक्स होती हैं जिनमें आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है. दे आल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीस ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी. और उन्होंने ये भी पाया कि इस तरह की रॉक्स के जो स्मॉल पार्ट्स हैं उसमें स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. दे नेम्ड दीज नेचुरली ऑकरिंग मटीरियल्स मैग्नेट. और इस तरह से नेचर में मिलने वाले इन मटीरियल्स को उन्होंने मैग्नेट नेम दिया. लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड. बाद में आयरन के पीसेस से मैग्नेट को डिस्कवर किया गया, बनाया गया. दीज आर आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट. और उन्हें आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा गया. इस तरह से हमने देखा मैग्नेट एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन को अट्रैक्ट करता है और ये टू टाइप्स का होता है. नंबर वन नेचुरल मैग्नेट जो कि मैग्नेटाइट रॉक से मिलता है, और दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि मैन मेड मैग्नेट है जिसे इंसानों द्वारा बनाया जाता है. नाउअडेज मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स. आजकल मैग्नेट को डिफरेंट शेप में प्रिपेयर किया जाता है. फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट्स, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, बॉल एंडेड मैग्नेट्स. फिगर 13.4 शोन अ फ्यू सच मैग्नेट्स. जैसा कि फिगर 13.4 में शो किया गया है, ये है एक बार मैग्नेट, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये है हॉर्स शू मैग्नेट, और ये है बॉल एंडेड मैग्नेट. और इसके साथ ही साथ इस तरह के मैग्नेट को रिंग मैग्नेट कहते हैं. इस तरह से मैग्नेट के डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट्स, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, या फिर इनका शेप रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है. चलिए एक्टिविटी वन के द्वारा ये समझ लेते हैं कि कोई भी मैग्नेट किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करता है. टेक अ प्लास्टिक आर पेपर कप, फिक्स्ड इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्लैंप एज शोन फिगर 13.5. फिगर 13.5 की तरह आपको इस तरह से एक पेपर या फिर प्लास्टिक का कप लेना है और उसे क्लैंप से इस तरह से एक स्टैंड में फिक्स कर देना है.
place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. अब इस कप के अंदर आपको एक मैग्नेट रखना है और उसको ऊपर से एक पेपर से कवर कर देना है जिससे मैग्नेट दिखाई ना दे. अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन. फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. अब आपको इस क्लिप को जो कि आयरन की बनी हुई हो उसे इस तरह से एक थ्रेड से अटैच कर देना है और थ्रेड का दूसरा सिरा स्टैंड से फिक्स कर देना है. माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व्ड हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंट शॉर्ट. और इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें जो थ्रेड यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ शॉर्ट हो से वो केवल यहाँ तक ही पहुँच सके. इसके बाद ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप. द क्लिप इज रेस्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट. अब आपको इस क्लिप को इस कप के पास लाना है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट है और ये आयरन की बनी हुई क्लिप है इसलिए इस तरह से ऊपर की साइड रेस्ड हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मैजिक हो रहा हो. चलिए इस एक्टिविटी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको प्लास्टिक या फिर पेपर का इस तरह से एक कप लेना है. इस कप को इस तरह से क्लिप के द्वारा इस स्टैंड में फिक्स कर देना है. एक क्लिप लेनी है जो कि आयरन की बनी हुई होनी चाहिए. इसमें आपको एक साइड से थ्रेड बांधना है और दूसरी साइड से थ्रेड को इस स्टैंड पर फिक्स करना है. इस थ्रेड की लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके बाद इस पिन को आपको ऊपर उठाना है जिससे यहाँ पर मैग्नेट है इसलिए ये आयरन की होने के कारण इस साइड अट्रैक्ट होगी और हवा में रेस करती हुई दिखाई देगी जिससे लगेगा जैसे कोई मैजिक हो रहा हो. नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें.